अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम जिस ख्वाब की ताबीर को बयान करेंगे वो है ख्वाब में बारिश देखना। ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं कि ख्वाब में बारिश देखना। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में बारिश का देखना 12 वजह पर है। नंबर 1 रहमत, नंबर 2 बरकत, नंबर 3 फरियाद चाहना, नंबर 4 रंज व बीमारी, नंबर 5 बला, नंबर 6 लड़ाई, नंबर 7 खून बहाना, नंबर 8 फितना, नंबर 9 कहत, नंबर 10 अमान पाना, नंबर 11 कुफ्र और नंबर 12 झूठ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बारिश में हक ताला की तरफ से बंदों पर रहमत और बरकत है। जब आम बारिश हो और सब जगह पहुँचे, फरमान हक ताला है, उसकी ज़ात पाक है जो नाउमीदी के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत को फैलाता है। और बारिश का वक्त पर देखना बहुत अच्छा है, ख़ासकर जब लोग बारिश को चाहें तो नहायत नेक है। लेकिन अगर ख़ास सख्त बारिश सिर्फ अपने कूचे में देखे कि उसके सिवा और कहीं नहीं बरसी है तो अहले वज़ू पर रंज और बीमारी की दलील है। और अगर देखे कि अव्वल साल या अव्वल माह बारिश बरसी है तो दलील है कि उस साल और उस माह में फरागी नेमत ज़्यादा होगी। और अगर देखे कि बारिश सख्त और सियाह है तो दलील बीमारी पर है कि उसमें हलाक होगा। हज़रत इब्ने सिर्रीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में सख्त बारिश देखे कि अपने वक्त पर बरसी है तो दलील है कि इन दिनों में रंज व बला का लश्कर आएगा। और अगर देखे कि आबे बारा से मसा करता है तो उस अमर की दलील है कि खौफ और गम से अमन में रहेगा। और अगर ख्वाब में देखे कि बारिश उसके सर पर बरसती है तो दलील है कि वह सफ़र को जाएगा और खैर व नफ़ा के साथ वापस आएगा। और अगर देखे कि बारिश के पानी के साथ मसा करता है तो दलील है कि खौफ और दहशत से अमन में होगा। और अगर ख्वाब में देखे कि बहुत बड़ी बारिश हो रही है और तमाम नहरें जारी हो गई हैं और उसको नुकसान नहीं पहुंचा है तो दलील है कि बादशाह सख्ती करेगा और साहिब ख्वाब इसके शरसत से महफूज रहेगा। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर बारिश की जगह शहद को बरसता हुआ देखे तो दलील है कि नेमत और गनीमत उस मुल्क में बहुत होगी। और जो चीज़ के आसमान से बरसती हुई देखे तो उसकी ताबीर उस चीज़ की जींस से है। और अगर देखे कि बारिश का पानी पीता है तो वो पानी साफ़ और रोशन है तो दलील है कि उसको उसी कदर खैर और राहत पहुंचेगी। और अगर देखे कि बारिश का पानी सियाह और बेमज़ा है तो दलील है कि उसी कदर बीमारी और रंज उठाएगा। तो ये थी ख्वाब में बारिश देखने की ताबीर। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई ताबीर के साथ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।